न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में आप सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर से। भाजपा के धनबाद प्रभारी अभय सिंह को पुलिस प्रशासन की ओर से जेल भेजे जाने के मामले में रविवार को कासीडी मैदान में हिंदू पंचायत महासभा का आयोजन किया गया। महासभा में धरना देने मुख्य रूप से भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, विधायक सरीवर, इच्छागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह, झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी आदि पहुंचे थे। सभी नेता अभय सिंह के समर्थन में खूब गरजे और सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन पर भी अपना निशाना साधा। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिला प्रशासन चाहता तो कदमा की घटना को रोक सकता था। इसमें जिला प्रशासन की भी गलती है, कमेटी बनाकर इसकी जांच होनी चाहिए। हिंदू मंच पंचायत सभा जो निर्णय लेगी उसके हिसाब से भाजपा की ओर आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए पूरी तरह से झारखंड सरकार की जिम्मेवार है। जो एसपी से मिलने गए थे उन्हें भी जेल भेज दिया। विधायक सरयू राय ने कहा कि कदमा प्रकरण में जो FIR किया गया है वह गलत है। राजनीतिक दबाव में आकर जिला प्रशासन की ओर से ऐसा किया गया, इसमें जो धारा लगाई गई है वह भी गलत है। कदमा घटना के दिन जनार्दन पांडे और सुधांशु ओझा अपनी बेटी से मिलने के लिए पूरी गए हुए थे। पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सुधांशु ओझा की बेटी पूरी में पढ़ाई करती है। इच्छागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने कहा कि कदमा मामले में अभय सिंह को जेल भेजना जिला प्रशासन के लिए बदले की कार्रवाई है। कदमा में जो घटना घटी थी बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में अभी तक किसी भी दोषी को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया है। इस घटना को लेकर कमेटी बनी है, उस कमेटी की ओर से जो फैसला लिया जाएगा मैं उसके साथ हूँ। लोगों से कहा गया कि इस तरह की घटनाओं के बाद आगे आने की जरूरत है। देखिए, कल से लोगों से ही मिल रहे हैं, आप सब लोगों से भी मिले, और मैं कह सकता हूँ कि विशुद्ध रूप से इस जिला के जो पुलिस अधीक्षक जान बूझ करके मामला को, जिसे कहते हैं कि सांप्रदायिक रंग देने की उन्होंने कोशिश की, और ये बड़ा खतरनाक साजिश है। जहां कदमा के शास्त्री नगर की जो घटना है मंदिर की, जो हम लोगों से मिले, कल भी हम मिले लोगों से, तो कहीं से भी कोई हिंदू समाज ने कोई उत्तेजना फैलाई नहीं। मंदिर के झंडा पर जब मांस बांधा हुआ मिला तब भी पुलिस प्रशासन को लोगों ने सूचित किया, और पुलिस प्रशासन से उन्होंने आग्रह किया लोगों ने किसी ने भी इस प्रकार की जो हरकत की है उनको 24 घंटा के अंदर उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और 24 घंटा होने के बाद भी जब प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो 9 तारीख को शाम 6 बजे लगभग 100 लोग बैठे थे, और जहां 100 लोग बैठे थे उसके ऊपर 1000 लोगों ने हरवे हथियार के साथ जाकर के हमला करते थे, और 6:30 बजे से 9 बजे रात तक ये मामला वहां चलती है। किसी प्रकार से मंदिर में हिंदू समाज के लोगों ने अपनी जान बचाई, और पत्थर जो चली हम समझते हैं जांच होगी तो ये पता चलेगा, पुलिस को भी चोटें लगी, बिजली को गूल कर दिया गया, और उसके बाद भी हिंदुओं के ऊपर केस कर दिया गया और हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई, और उसमें भी कई, जैसे हमने कहा कि चंदन चौबे है, अभय सिंह है, इन लोगों का तो कोई उस घटना से कहीं कोई ताल्लुकात नहीं है, ऐसे कई एक लोग हैं। मैंने दो प्रतीक के रूप में कहा कि अभय सिंह को तो घर से उठा, चंदन तो अपने साथियों के साथ, कुछ लोगों के साथ जो कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, तो भाई सीनियर SP से वो लोग मेमोरेंडम देने के लिए जा रहे हैं। भाई डेमोक्रेसी में अगर कोई मेमोरेंडम देने के लिए जाते हैं उनको भी पकड़ करके हाथकड़ी लगाते हैं, उसको भी जेल में डालते हैं, और अभय सिंह को तो रात में कितना 3-3.30 बजे भोर में जाकर के घर को घेर करके दरवाजा तोड़ने की कोशिश, या दरवाजा को तोड़ा फिर घर से उसको ले जाते हैं। भाई कोई वो गुंडा नहीं है, अगर उनके ऊपर कोई केस था तो फिर आप उसको नोटिस देते, कोर्ट में हाजिर नहीं होते तो फिर आप उनके ऊपर कार्रवाई करते।
प्रोसेस है, लेकिन आपने कोई भी नियमों का पालन नहीं किया, तो इसे साफ होता है यहाँ के जो एसएसपी है, यहाँ के जो डीसी है, यहाँ के जो तमाम पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी है, जानबूझ करके टाटा को भट्टी में जलाना चाह रहे थे। आगे का स्टैंड क्या होगा? आगे के मैंने दो बातें कही, एक तो यहाँ के लोग तय करेंगे आंदोलन की। हमने कहा कि पार्टी उसके साथ है, और दूसरा मैंने कहा है कि भाई पूरे मामले की, क्योंकि जब प्रशासन ही निष्पक्ष नहीं तो यहाँ से तो हम कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। तब ने कहा कि सीबीआई से या फिर हाईकोर्ट के सिटिंग जज से, सरकार को जो पसंद हो उसे जांच करानी चाहिए, ताकि ये पता चल सके इसमें कौन कौन लोग शामिल है इस षड्यंत्र में। आपकी पार्टी में भी इस मामले को लेकर विरोधाभास है क्या? हमारी पार्टी में कोई विरोधाभास नहीं है। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2 किलोमीटर का दूरी तय नहीं कर पाते, आप 150 किलोमीटर तय करके आ जा रहे हैं। चूंकि 2 किलोमीटर वाला तो कहे को आएगा, तो 2 किलोमीटर यही है, वो तो यहाँ दूर वालों को ही आना होता है। वो आपके नेता से मिलने भी नहीं है आपके नेताओं? अब एक दिन में सब लोग नहीं जाएंगे, धीरे धीरे करके जाएंगे। अरे कुछ दूरियाँ हैं क्या, कुछ विशेष है? नहीं, हमें ऐसा नहीं। आपके उनके खिलाफ बहुत शिकायतें भी लोगों ने की, आपको कार्यकर्ताओं ने कल? नहीं, हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं है। सरयू राय जी आपसे पिछड़ चुके हैं, उनको जोड़ने का कोशिश हम तो अगल बगल में सब लोग हैं, विधानसभा में भी हम लोग अगल बगल ही बैठते हैं, घर वापसी नहीं है, घर वापसी की बातें लगा। अभी सब तो पार्टी का मामला है, बाकी हम लोग तो अगल बगल ही रहते हैं विधानसभा, पूछ लीजिएगा। अगल बगल है लेकिन बीच में गैप नहीं, गैप है भाई, टूटेगा क्या? अब धारा तो कागज हम आपको देख के बता देंगे, इतना